बार भी जीत का सहरा पन्ना प्रमुखों और आम कार्यकर्ताओं के सिर पर देखा। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित होकर मजबूती के साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटना होगा। पंचायत भवन में थानेसर मंडल, ज्योतिसर मंडल, अभिमन्यु मंडल व शहरी मंडल के प्रमुखों व कार्यकर्ताओं की बैठक को सांसद नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व मंत्री बलबीर सैनी, जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार हरियाणा एक हरियाणवी एक नीति के अनुसार 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य हुए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। पिछले 5 सालों में लगातार विकास कार्य और बड़ी परियोजनाओं और अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस विकास कार्यों से आम जन प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान चला हुआ है और उस सदस्यता अभियान में आज थानेसर विधानसभा के तीनों मंडलों की अलग अलग बैठकें हुई। पहली बैठक बहादुरपुरा कम्युनिटी सेंटर में हुई, दूसरी बैठक खेड़की ब्राह्मणा पंचायत घर में हुई और तीसरी बैठक क्षेत्र थानेसर ये मंडल की यहाँ पंचायत भवन में है। सभी कार्यकर्ता जो हमारा मेंबरशिप अभियान चल रहा है, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की एक सोच है और जिन्होंने ऑनलाइन मेंबरशिप करके इस संगठन को, पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया, उसको लेकर के बैठके और आगामी चुनावों को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से देश की जनता का और प्रदेश की जनता लोकसभा के चुनाव के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उनकी नीतियों को स्वीकार किया, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है, आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ता एकजुटता से लग करके और जहां पर भी हर बूथ स्तर की जो हमारे कमेटी है उस कमेटी को चुस्त दुरुस्त करके उसको लेकर के आज यहाँ पर बैठक हो रही है, सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर भी एक बड़ी विजय, जो केंद्र ने हमें एक टारगेट दिया कि अब की बार 75 पार का आंकड़ा जाना चाहिए, उसको लेकर के सभी कार्यकर्ता। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।